यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है इंग्लिश की क्लास है, पेपर हम कर रहे हैं, पेपर ओल्ड पेपर हम कवर कर रहे हैं। तो इंग्लिश के जो आज हम पेपर करेंगे, ये आपका पेपर टू है, जो दिसंबर में आपका 2011 में आपका पेपर हुआ था। 2011 में जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, पेपर टू, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं एक ही जगह। 30 पेपर आपके हैं, 30 के 30 पेपर आपको एक जगह मिलेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो ओल्ड पेपर आपके, तो कल की पहली आपकी कल क्लास हुई थी, जिसमें आपको ओल्ड पेपर आपको करवाए गए थे। तो ओल्ड पेपर की क्लास आपको, अगर चैनल से आपको जुड़ना है, ओल्ड पेपर आपको करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पेपर जो सेकंड आपका है 2011 का, तो डेली अब हम पेपर कर रहे हैं इंग्लिश का। जैसे कि आपको पता ही है 31 मई आपकी रजिस्ट्रेशन की यानी एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट है। अगर जिस भी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, नेट का फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो वो भर लीजिए। 31 मई आपकी लास्ट डेट है, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। इंग्लिश के आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक परचेस कर सकते हो। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये, तो 100 रुपये में आपको 30 रुपये मिल रहे हैं, 30 पेपर आपको मिलने वाले हैं। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी इज रिटन बाय, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी रॉबर्ट साउथे, ऑप्शन सी जॉन क्लेर, ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी जॉन क्लेर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी जॉन क्लेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हेमिंगवेज नॉवल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इन टू, ऑप्शन ए 2 बुक्स, ऑप्शन बी 3 बुक्स, ऑप्शन सी 4 बुक्स, ऑप्शन डी 5 बुक्स। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी 5 बुक्स, 5 किताब जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैनोप्टिज्म इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन अ वेल नोन बुक बाय, अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए रोमन जैकोबसन, ऑप्शन बी जैकिस लैकन, ऑप्शन सी माइकल फोकल्ट, ऑप्शन डी जैकिस डेरिडा। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी माइकल फोकल्ट, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, द लाइन्स सी वाज अ वर्थी वुमेन ऑल हियर लाई हाउस बैंड हाउस बोन्स एंड चेयर्स डोर सी एड 5 आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी कैलरी ही, ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन डी फ्री वर्स। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट, क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका है जॉर्ज एलियट, ऑप्शन बी वर्जीनिया वूप, ऑप्शन सी इरिस मर्डोच, ऑप्शन डी फ्रांसिस बर्नी। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है, वर्जीनिया वूप, क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रेस्पॉन्स, असर्शन आपको दिया गया, असर्शन आपका डिकेंस नॉवल्स आर कॉल्ड नेवगेट नॉवल्स, रीजन दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस एडल्ट इन दीज नॉवल्स द कैरियर्स एंड एडवेंचर ऑफ क्रिमिनल्स, ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन है आपका राइट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स, ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन बी थॉमस नशे, ऑप्शन सी जॉर्ज पिले, ऑप्शन डी थॉमस के वाई डी। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी थॉमस के डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट,
क्वेश्चन 8 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ वेबस्टर द वाइट डेविल यूटर्स द मेमोरेबल वर्ड्स ऑफ्ट गे एंड ओनर रोप्स दोज टर्चर ट्राई वी थिंक केक्ड बर्ड्स सिंग वैन इन डिड देन दे क्राई। ऑप्शन ए विक्टोरिया क्रोम्बोना, ऑप्शन बी ब्रेशिनोआ, ऑप्शन सी द कार्डिनल, ऑप्शन डी फ्लेमिनो। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी फ्लेमिनो। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी फ्लेमिनो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए थॉमस कालिल, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी जे एस मिल, ऑप्शन डी जॉन रश्किन। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन 9th का ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, Who amongst the following is not a Jewish American novelist? Option A J.D. Salinger, Option B Henry Green, Option C William Faulkner, Option D Philip Roth. तो right answer क्या आपका, Option B Henry Green। Question 10th का Option B right answer है। Next आपका question है, question number 11th, विच अमंग द फॉलोइंग प्ले बाय क्रिस्टोफियर मार्लो हैज एपिक फीचर्स। ऑप्शन ए डॉक्टर फोस्टर्स, ऑप्शन बी एडवर्ड सेकंड, ऑप्शन थर्ड हीरो एंड लैंडर, ऑप्शन फोर्थ टेम्बरलेन। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी टेम्बरलेन। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी टेम्बरलेन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12th, सर फोपलिंग इज अ कैरेक्टर इन। ऑप्शन ए वाइचरलीज द प्लेन डीलर, ऑप्शन बी कॉन्ग्रीज द वे ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन सी एथर्स द मैन ऑफ मूड, ऑप्शन डी डेविनेंट्स द प्लेंटोक लवर्स। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एथरीज द मैन ऑफ मूड। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, Who famously say three or four families in a country village is the every the in the every thing to work on? ऑप्शन ए क्लेरा रिव्यू, ऑप्शन बी मैरिया एजवर्थ, ऑप्शन सी फ्रांसिस बर्ने, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन। तो राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इकमिफुना इज अ कैरेक्टर इन द नोवल। ऑप्शन ए वैन रेन क्लाउड्स गैदर, ऑप्शन बी द मिमिक मैन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका है थिंग्स फॉल अपार्ट, ऑप्शन डी द इंटरप्रेटर्स। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी थिंग्स फॉल अपार्ट। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी द थिंग्स फॉल अपार्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ए फुट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय अ वीक सिलेबल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टॉर्ची, ऑप्शन बी इम्बिक, ऑप्शन सी स्पॉन्डी, ऑप्शन डी ट्रिजा राइम। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन ए आपका राइट है ट्रोची। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए ट्रोची राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज दैट चूजर फोकसेस ऑन द एडेप्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन द सेंटर ब्यूटी टेल्स। ऑप्शन ए मिकनेस, ऑप्शन बी डेफियंस, ऑप्शन सी चेस्टी, ऑप्शन डी एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी डेफियंस आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पुट द फॉलोइंग बुक ऑफ द पोप इन अ सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट आपका है द डून शेड, सेकंड द रेप ऑफ द लोक, थर्ड एन एशियन मैन, फोर्थ एन एशियन क्रिस्टिज्म। तो अब आपको ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका राइट है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, डीना मॉरिस इज अ कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल। ऑप्शन ए आपका दिया गया मिडिल मार्च, ऑप्शन बी साइलेस बार्नर, ऑप्शन सी डेनियल डिनोल्डा, ऑप्शन डी एडम बेड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी एडम बेड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 19,
द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय अ पैनल ऑफ जजेस टू द बेस्ट नॉवल बाय अ सिटीजन ऑफ ऑप्शन ए द यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन सी द यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी द यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, ए कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए 11 लाइंस, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 12 लाइंस, ऑप्शन सी 13 लाइंस, ऑप्शन डी 14 लाइंस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 11 लाइंस आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 11 लाइन आपका 11 लाइन या 11 रेखा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल हैज़ बीन ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी थॉमस डेलोनी, ऑप्शन सी थॉमस नेश, ऑप्शन डी थॉमस लोज। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी थॉमस नेश आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रैक्टिशनर ऑफ जैकोबिन ट्रेजेडी, ऑप्शन ए जॉर्ज विलियर्स, ऑप्शन बी जॉन मार्स्टन, ऑप्शन सी आपको दिया गया है जॉन वेबिस्टर, ऑप्शन डी थॉमस मिडलटन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है जॉर्ज विलियर्स, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन है जॉर्ज विलियर्स आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन इज, तो ऑथर किसका, नेशन और नरेशन का जो ऑथर है वो ऑथर यानी लेखक जो आपका है नेशन और नरेशन का वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एडवर्ड सेड, ऑप्शन बी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, ऑप्शन सी फ्रांत्ज फैनन, ऑप्शन डी होमी बाबा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी होमी बाबा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन इन कंटेम्प्रेरी फिक्शन, ऑप्शन ए थॉमस नेज द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ऑप्शन बी हेनरीज फील्डिंग्स टॉम जोन्स, ऑप्शन सी लॉरियंस स्टेन्स ट्रिस्टम सैंडी, ऑप्शन डी सैमुअल रिचार्डसन पैमिला। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी लॉरेंस स्टर्न्स ट्रिस्टम सैंडी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द पहराज ओनली कनेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए डी एच लॉरेंस, ऑप्शन बी जेम्स जोशी, ऑप्शन सी ई एम फोस्टर, ऑप्शन डी वर्जीनिया वूप। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी ई एम फोस्टर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज बाय मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन ए द स्टोन एंजल, ऑप्शन बी नो फिक्स्ड एड्रेस, ऑप्शन सी द एडिबल वुमेन, ऑप्शन डी हाफ ब्रिड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है द एडिबल वुमेन, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोशेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जाम्पल किसका है, ऑप्शन ए ऑक्सीमोरोन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है जैगुमा, ऑप्शन सी चिस्मस, ऑप्शन डी पन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रेस्पॉन्स, तो आपको राइट रेस्पॉन्स आपको चुनना होगा। ऑप्शन ए असर्शन आपको दिया गया ओथेलो किल्ड डेजिडोमोना, रीजन बिकॉज डेजिडोमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, ऑप्शन ए यानी इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है आपका ट्रू है, लेकिन असर्शन तो आपका ट्रू है लेकिन रीजन जो आपका वो फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, ए आपका ट्रू होगा लेकिन आर जो आपका रीजन है वो फॉल्स आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, द इनलाइटनमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ,
ऑप्शन ए रिलीजन, ऑप्शन बी ट्रेडिशन, ऑप्शन सी रीजन, ऑप्शन डी सेंटिमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका रीजन। क्वेश्चन रीजन यानी कारण जो होगा आपका वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। क्वेश्चन 30 में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिगी। ऑप्शन ए लाइकिदास, ऑप्शन बी एल एलिग्रो, ऑप्शन सी कैमस, ऑप्शन डी पैराडाइज लोस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए लाइकिदास आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय किट्स यूजेस द स्पेंशियन स्टैंजा। ऑप्शन ए एंडीमियन, ऑप्शन बी द फॉल ऑफ हाइपरियन, ऑप्शन सी द एव ऑफ एस्टियग्निस, ऑप्शन डी लेमिया। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है द एव ऑफ एस्टियग्निस। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट ये आपके ऑथर है और ये आपके वर्क्स आपको दिया गया है। तो वैनिटी द वैनिटी ऑफ होमन मिसिज ये किसका आपका होगा, ये आपका हो गया जॉन गे का, और जो द वीकर ऑफ वेकफील्ड आपका है ये आपका है रिचर्ड सैरिडन का, और सी स्टॉप टू कंक्वेयर आपका ओलिवर गोल्ड स्मिथ है, द बैगर्स ओपेरा आपका हो गया द ये आपका किसका होगा सैमुअल जॉनसन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सीक्वेंस आपका बना वो बना 2 4 1 3, और ये आपका ऑप्शन बी में मिलता है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 33। द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कोइंड बाय। ऑप्शन ए एस टी कोलरिज, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी विलियम हैजलिट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी जॉन किट्स। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी जॉन किट्स आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया पुट द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ जॉर्ज एलियट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द कोड। फर्स्ट आपका है मिडिल मार्च, सेकंड डेनियल डेरोंडा, थर्ड आपका है फेलिक्स होल्ट द रेडिकल, फोर्थ आपका है रोमोला। ये आपको दिया गया। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आपका रोमोला होगा, रोमेले के बाद आपका मिडिल मार्च है, मिडिल मार्च के बाद आपका फेलिक्स होल्ट द रेडिकल है, और देन आपका डेनियल डेरोंडा आपका है। तो इसका सिक्वेंस बनता है फोर्थ फर्स्ट थर्ड और सेकेंड आपका सिक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 34 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर इज अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी। ए आपका है डी एच लॉरेंस, बी पी जी वुडहाउस आपका दिया गया, नेक्स्ट आपका दिया गया सी थॉमस हार्डी, डी आपका है जॉन गैल्सवर्थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है जॉन्स गैल्सवर्थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपोकलेटिक नोवल। ऑप्शन ए डोरिस लेजिंग द फोर गेटेड सिटी, ऑप्शन बी एल पी हार्टलेज फेशियल जस्टिस, ऑप्शन सी ऑप्शन सी आपका देगा एंथोनी बर्गेस द वांटिंग शेड, ऑप्शन डी वी एस नाइपुल से हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट है एंथोनी बर्गेस द वांटिंग शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। Identify the author of the following lines. Let sea discovers to new worlds have gone. Let maps to other worlds own. Worlds have shown. Let us possess one world. Each hath one and is one. Option A Shakespeare. Option B George Herbert. Option C John Donne. Option D Henry Vaughan. तो right answer क्या होगा आपका, option C John Donne आपका right answer होगा question number 37 का, option C right answer है। next आपका question है क्वेश्चन नंबर 38। इन द समर ऑफ 1712 द स्पेक्टेटर पब्लिश द सीरीज ऑफ एसे ऑन द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन रिटन बाय। ऑप्शन ए रिचर्ड स्टिल, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन डेनिस, ऑप्शन सी जॉन लोक, ऑप्शन डी जोसेफ एडिशन। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी जोसेफ एडिशन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन
39 आपका दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रेस्पॉन्स। असर्शन आपका है गुलीवर्स ट्रेवल्स एंड जोनेथन स्विफ्ट द बैड नेम ऑफ बीइंग अ मिसैंथ्रोप। रीजन, स्विफ्ट इन द नोवेल वाज न्यूट्रल टू द इमेज ऑफ मैन। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के आपके ट्रू आपके हैं, सत्य आपके हो गए, लेकिन जो रीजन दिया गया आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। Who amongst the following does not belong to the great tradition enunciated by F.R. Lewis? ऑप्शन ए जोसेफ कॉनराड, ऑप्शन बी जेम्स जोशी, ऑप्शन सी जेन ऑस्टेन, ऑप्शन डी जॉर्ज एलियट। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी जेम्स जोशी। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर बी जेम्स जोशी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसाक बेसिल्स सिंगर इज एन, अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, ऑप्शन बी अमेरिकन जेविस राइटर, ऑप्शन सी अमेरिकन इंडियन राइटर, ऑप्शन डी अमेरिकन एशियन राइटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है अमेरिकन जोश जेविस राइटर। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट हैज, ऑप्शन ए 3 एक्ट, ऑप्शन बी 5 एक्ट, ऑप्शन सी 4 एक्ट, ऑप्शन डी 2 एक्ट। तो कितने एक्ट आपके थे, एक्ट थे आपके 2, तो 2 एक्ट आपके थे, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। जेम्स जोसी एक्साइल्स इज अ, ऑप्शन ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन बी पोयम, ऑप्शन सी प्ले, ऑप्शन डी नोवल। तो राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी प्ले, खेल जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 44। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक वर स्टेकिंग 13 इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ, ऑप्शन ए यूलिसिस, ऑप्शन बी नोस्ट्रोमा, ऑप्शन सी क्रोमियलो, ऑप्शन डी 1984। तो राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी 1984 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द सब टाइटल ऑफ विलियम गोडविंस कैलेब विलियम्स इज, ऑप्शन ए मैन एज ही इज नॉट, ऑप्शन बी मैन एज ही इज, ऑप्शन सी थिंग्स एज दे आर, ऑप्शन डी द पुपिल ऑफ नेचर। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ने थिंग्स एज दे आर। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 46। Who amongst the following belongs to the group of radical feminist? Option A Helen Sixers, Option B Monica Wittig, Option C Simone de Beauvoir, Option D Lucy Irigaray। तो right answer क्या आपका, option number A आपका right है, Helen Sixers। Question 46 का option A राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 47। ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैशबेथ इज अ लॉन्गर एशे बाय, ऑप्शन ए जी विल्सन नाइट, ऑप्शन बी ए सी ब्राडले, ऑप्शन सी थॉमस डी क्विंसी, ऑप्शन डी एफ आर लिविश। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, थॉमस डी क्विंसी। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए जिगमा, ऑप्शन बी ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी चिस्मस, ऑप्शन डी एपोस्ट्रोप। तो राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर्ड एपिथेट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिज्म इज कॉइन्ड बाय, ऑप्शन ए विलियम एम्पसन, ऑप्शन बी डब्ल्यू के विंसेंट जर, ऑप्शन सी आई ए रिचार्ड, ऑप्शन डी एफ आर लिविस। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आई ए रिचार्ड आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। विक्टर स्कॉल्सवे नेम इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑप्शन बी न्यू हिस्टोरिज्म, ऑप्शन सी रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, ऑप्शन डी रशियन फॉर्मेलिज्म। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी आपका राइट है, रशियन फॉर्मेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
चलिए, ये आज जो हमने पेपर किया इंग्लिश का, ये आपका पेपर था, पेपर दिसंबर 2011 का आपका पेपर था। ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए जिसमें आपको 2011 से 22 तक सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं, 30 पेपर आपके, कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 31 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।